इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बच्चों की ज़िंदगी में अल्लाह ताला का क्या रोल है, क्या बच्चे अल्लाह सुबहाना व ताला की अज़मत को पहचानते हैं और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह आज का मौजू हमारा रहेगा कि हम बच्चों की ज़िंदगी में अगर अल्लाह सुबहाना व ताला को लाना चाहते हैं, जो कि हम सबका एक टारगेट होना चाहिए, एक एजेंडा होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, तो वो कैसे हो सकता है, वो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं। लेकिन उससे पहले कि भाई ये ज़रूरी क्यों है, भाई क्या ज़रूरत है बच्चों को चुप करके पढ़ा तो रहे हैं, पढ़ते रहें, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, वट एवर हम पढ़ा रहे हैं, माशाल्लाह वो अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो वट इज़ सो स्पेशल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए ये है कि जब हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, फरमाया कि जब बंदा दुनिया से चला जाता है, फौत हो जाता है, तो उसके सारे आमाल जो हैं वो बंद हो जाते हैं, सवाए तीन तरह के आमाल के। उन तीन में से एक जो है वो ये है कि जो बंदे ने किसी को कोई नाफे इल्म सिखाया होगा, कोई ऐसा इल्म सिखाया होगा और जब तक वो उससे फ़ायदा उठाता रहेगा, इस बंदे को मरने के बाद भी उसका सवाब मिलता रहेगा। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से टीचिंग प्रोफेशन इज़ द बेस्ट पॉसिबल प्रोफेशन। उसकी वजह क्या है कि हम बच्चों को बना रहे होते हैं, हम बच्चों को बता रहे होते हैं, हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं, तो अगर उनमें से, अब हमें नहीं पता हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं उनमें से कौन फ्यूचर का DSP है, कौन फ्यूचर का IG है, कौन फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर है, हमें नहीं पता। लेकिन एक बात तय है कि अगर हमने उसकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर दिया और उसके सोचने के अंदाज को बदल दिया और उस तरह कर दिया जैसे हमारा रब चाहता है, तो अब वो अगर जो भी बनेगा, अगर वो किसी पुलिस के महकमे में जाता है, वो बेहतरीन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और उसके कॉन्ट्रीब्यूशन में आपका हिस्सा होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर वो डॉक्टर बनेगा तो वह फिर वाकई अच्छा डॉक्टर बनेगा, वो बंदे के दिल से पहले दिल के ऊपर लगी हुई जेब को नहीं देखेगा। तो इसके अलावा जो है वो कलाज रात है, वो बंदा जिस फील्ड में भी जाए अगर उसकी बुनियादें दुरुस्त हैं, अगर उसका वैल्यू सिस्टम दुरुस्त है, वो जहाँ भी जाएगा पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होगा। और टीचर्स के बारे में क्या कहते हैं, टीचर वो लैडर, वो सीढ़ी होते हैं जो खुद वहीं पर रह जाते हैं और वो जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें वो कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। तो वो है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता हमने सारी मेहनत भी की, स्ट्रगल भी की, एफर्ट भी की, पढ़ाया भी, सब कुछ किया, और उसके बाद अगर वो अच्छा इंसान ना बन सका, हो सकता है वो डॉक्टर तो बन जाए, वकील तो बन जाए, वो जज तो बन जाए, वो जो कुछ भी बन गया, लेकिन अगर वो अच्छा इंसान ना बन सका तो करेगा वो भरेंगे हम, क्योंकि हमारी स्टोरी से जब एक बच्चे को मैंने आकर ये बता दिया कि बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक उस्ताद, मैं क्लास में आता हूँ और आके बताता हूँ कि बेटा मैं गाड़ी में आ रहा था तो रास्ते में जो है ना वो एक जगह पे मुझे पुलिस हजरात ने रोक लिया, तो अल्लाह ताला का शुक्र है हम पाकिस्तान में हैं, मैंने फौरी तौर पे जेब में हाथ डाला तो वो एक 500 का नोट आया, मैंने कहा यार मेरे पास टाइम कम है, मैंने 500 रुपया उनके हाथ में थमाया और फौरी तौर पर मैं निकल आया। देखा बेटा कितनी जल्दी से आसानी से यहाँ पर मसला मैंने हल कर लिया। मैंने बच्चे को एक्चुअली क्या बताया कि रिश्वत देकर अपने मसाइल हल किए जा सकते हैं। मैंने बच्चे को डायरेक्टली कहा नहीं है, ये लेसन नहीं दिया, लेकिन मैंने अपने आप को एज अ रोल मॉडल प्रेजेंट कर दिया कि ऐसे होता है। अच्छा, अब वो बच्चे जो है, बच्चों का जो जहन है वो अभी कच्चा होता है, उनके जहन में जो चीज़ बैठ गई तो अब उन्हें ये पता चल गया कि यही तरीका है आगे निकलने का, अपने मसाइल को हल करने का। अब जहां जहां से वो रिश्वत लेगा या देगा उसमें हिस्सा मेरा भी पड़ गया, ले वो रहा है लेकिन उसके हिस्से की भुगतना मुझे पड़ेगा। ठीक है, अगर इसी तरह से मैं ये सोचूं, मैं बच्चों को बताऊंगी बेटा मैंने जब मैं जा रहा था तो उन्होंने कहा जी कि सर जी को खर्चा पानी, और जब खर्चा पानी की बात हुई तो मुझे फौरी तौर पे वो हदीस याद आ जाती है जिसका मफूम क्या है, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। तो बेटा मैं तो परेशान हो गया कि मैं तो इतनी बड़ी सजा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो बेटा इसलिए मैंने तौबा की, मैंने कहा सॉरी जी मैं तो आपको कुछ नहीं दे सकता इस हवाले से, और मैंने उन्हें बताया कि मैं टीचर हूँ, आपकी मेहरबानी, आप मुझे जाने दें, मैंने लेक्चर देना है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है जब मैंने फैसला कर लिया कि ना मैंने रिश्वत देनी है, कभी भी ना रिश्वत देनी है, तो अल्लाह ताला ने उसके दिल को मेरे हक में नरम कर दिया और उसने कहा चलो सर जी तुसी जाओ फिर। अब ये जो एक्शन हुआ है बच्चे के जहन में क्या आएगा, इट मींस के वी नीड टू टेक अ स्टैंड, फर्म स्टैंड, हमें स्टैंड लेना है। और उसके बाद क्या है कि अल्लाह ताला दूसरे बंदे का दिल नरम करने पर कादिर है, ये मैंने सिखा दिया और बच्चे की जिंदगी में आ गया। कल को बच्चे के साथ सेम वाकया बना, वो स्टैंड ले सकता है क्योंकि उसे पता है कि उससे उस्ताद जी ने भी लिया था। तो ये वो चीजें जो हमें बताने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा लकी प्रोफेशन इस वक्त अगर पूरी दुनिया में कोई है वो टीचिंग है। कैसे, कि हमने दो जिंदगियों को टारगेट करके हम चल रहे होते हैं। असल में हमेशा देखिएगा आप अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो कामयाब शख्स हम किसे मानते हैं,
जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है, ठीक है। इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन शख्स कौन है? इलॉन मस्क कहते हैं, इलॉन मस्क है, या जेफ बेज़ोस हैं, और बिल गेट्स तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं, वॉरेन बफे वगैरह हैं। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज कि जितने भी लोग पैसे वाले हैं और ज़िंदा हैं, फ़र्ज़ करें ये इसी पोजिशन में दुनिया से चले जाते हैं, अब ये चले गए, दुनिया उनकी मिसालें सबको दे रही है, क्या ही वॉज ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन? हम ये समझते हैं ना। अगला सवाल ये है कि उसके साथ अगला मामला क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता। ऐ मुमकिन है कि अगला मामला उसके साथ इंतहाई खतरनाक होना शुरू हो जाए और अजाब में मुबतला हो जाए, हमें तो नहीं पता। अब सवाल यह है कि एक बंदा जो दुनियावी तौर पर बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार के गया है और अगली ज़िंदगी उसकी तबाही के दहाने पर आ गई है, हम ऐसे बंदे को कामयाब कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो इट मीन्स कि हमें बच्चों के सामने ये कॉन्सेप्ट रखना है, बेटा असल कामयाबी वो है जो दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी है। मतलब ना तो हम ये कहें कि बेटा दुनिया को छोड़ के सिर्फ आखिरत को बनाने की कोशिश करो, दुनियावी तौर पे हर चीज़ को छोड़ दो, तो ये तो तरीका नहीं है, क्योंकि बच्चे ने इसी जिंदगी में इसी दुनिया में जीना है ना। तो जो बाहर देखते हैं उसे एक अजीब सा डबल स्टैंडर्ड मिलेगा, वो क्या, अब्बा जान या अम्मा जान उसे इसे ऐसे प्रोफेशन में भेजने की कोशिश करें जिसमें कमाई ज़्यादा हो सके, और स्कूल में जाके वो ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जो बताते हैं बेटा दुनियादारी की कोई फिक्र नहीं करनी, सिर्फ आखिरत के बारे में सोचना, और वो बेचारा कन्फ्यूज है कि मैंने असल में करना क्या है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है हम उसका स्टैंडर्ड दुरुस्त लेवल पर सेट करें, और वो क्या है, बच्चे को बताएं बेटा दीन में बेहतरीन बनने का तरीका दुनिया ही है, बस भी जा गई भाई, कुरान पाक पर अमल हमने आखिरत में जाकर नहीं करना, तो कब करना है, यही करना है ना। मैं टीचिंग कर रहा हूं तो मैंने टीचिंग में ये देखना कहीं ऐसा तो नहीं है मैं अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ चल रहा हूं, अगर मैं अल्लाह ताला के अहकाम को तोड़ने से बचकर जिंदगी गुजार रहा हूं, मैं टीचर हूं तो मैं कामयाब हूं इंशाल्लाह, मैं अगर डॉक्टर बनता हूं तो भी मैं कामयाब हूं, अगर मैं लॉयर बनता हूं तो भी मैं कामयाब हूं, लेकिन फोकस क्या है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए जिंदगी गुजार रहा हूं। तो ये जरूरी है कि बच्चों की जिंदगी में अल्लाह ताला को मुतआरफ करवाया जाए और लेकर आया जाए। अब सवाल ये है कि कैसे, क्वेश्चन है कैसे, उसका बेहतरीन तरीका चाइल्ड साइकोलॉजी में जो हमें मिलता है वो ये है कि बच्चे सबसे ज्यादा देखकर सीखते हैं। बच्चे सबसे ज्यादा किसे सीखते हैं? देख, ऑब्जर्व करके। बच्चे कॉपी करना चाहते हैं। मुझे याद है कि मेरी बेटी जो है, दो बेटियां माशाल्लाह छोटी, तो वो शेखुपुरा में एक स्कूल में पढ़ती हैं, तो वो बताना शुरू हो गया। एक दिन क्या हुआ, वो जनाब एक ने ख़ास अंदाज से जो है ना, बच्चियों ने वो ख़ास तरह का जो दुपट्टा है ख़ास अंदाज से लिया, दूसरी ने एक और अंदाज से लिया। मैंने कहा बेटा ये क्या कर रही हो, घर में आके ये प्रैक्टिस कर रही थी आपस में खेल रही थी, मैंने बेटा ये क्या कर रही हो? एक कहती बाबा बाबा मैं फलां टीचर बनने की कोशिश कर रही हूँ, एक मैम का नाम था मिस उम्मे नजम, उनकी टीचर का नाम है छोटी वाली का, वो कहती बाबा मैं मिस उम्मे नजम बनी हुई हूँ। अच्छा बेटा आप क्या बनी हुई है? उन्होंने अपने टीचर का नाम बताया, बाबा मैं फलां टीचर बनी हुई है। वो कॉपी करती हैं और वो उसे कॉपी करके बड़ा खुश होती हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्या वो बच्चे जो हैं अगर मुझे कॉपी करें तो वो कैसे इंसान बनेंगे? ये क्वेश्चन मैंने खुद से पूछना है अगर मैं टीचर हूं। आप अपने आप से पूछ सकती हैं, अगर वो बच्चे जो आपसे पढ़ने आते हैं, फर्ज कीजिए दुनिया में सारे उस जैसे हो गए हैं जैसे आप हैं, तो दुनिया कैसी होगी? मैं आपको आसान तरीका बताता हूं, अगर दुनिया में सारे लोग वैसे ही सोचना शुरू कर दें जैसे मैं करता हूं, अगर तो मैं इस चीज पे बिलीव रखता हूं कि जितना रगड़ा लगता है लगा दो, तो फिर तो मैं सोचूंगा हर तरफ तबाही मच जाएगी, फिर तो दुनिया बड़ी खतरनाक हो जाएगी अगर सारे मेरे जैसे हो गए। तो ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड है अपने आप को चेक करने का कि मैं वैल्यू सिस्टम पे कहां पे लाई कर रहा हूं। अगर सारी दुनिया के लोग मेरे जैसे हो गए तो दुनिया कैसी होगी, अच्छी होगी कि बहुत बुरी हो जाएगी? ये हम हर टीचर को अपने आप से पूछने की जरूरत है, और हमने किसी से जवाब नहीं इसका देना, हमारे अंदर से जवाब आएगा कि अगर सारी दुनिया उस जैसी होगी जैसी मैं हूं, आप ये पूछ सकती हैं, तो वो दुनिया कैसी होगी? फिर अगर आपको अंदर से आवाज आती है कि वाह फिर तो क्या बात है, तो इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और अगर आपको पता चले कि ओह माय गॉड ये तो बड़ा खतरनाक है, अगर हर शख्स मेरे जैसा हो गया फिर तो मामला बड़ा खतरनाक है, इट मीन्स वी नीड टू चेंज समथिंग। क्या ख्याल है, हमें फिर चीज़ों को चेंज करने की जरूरत है। इज इट क्लियर? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं?
अच्छा आपका जैसे ही अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो मुझे लाजिमन वहीं पर रोक के पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। ओके, सो हम ये देख रहे थे कि जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा सीखते हैं किससे, देखकर, और उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्व करके सबसे ज्यादा सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करते हैं, फिर कॉपी करते हैं, फिर वो चाहते हैं मैं ऐसे ही करूं, तो ये है सबसे ज्यादा। अब है कि मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं फॉर एग्जांपल कि हमारे बच्चे जो उनकी जिंदगी में अल्लाह ताला का कॉन्सेप्ट प्रॉपर अच्छे तरीके से आ जाए। फर्ज करें कि एक टीचर है जो कि फीमेल है और वो बच्चों को पढ़ा रही है इस्लामियात, और लेक्चर वो देना चाह रही है पर्दे पे, और वो साथ में अपनी मेकअप किट लेकर आई हुई हैं, और साथ में माशाल्लाह वो पूरी क्लास में बैठकर बच्चों को ये भी बता रही हैं बेटा हमेशा बापर्दा रहते हैं, और नज़र बच्चों को ये आ रहा है कि पर्दे नाम की कोई शय नहीं है। अब बच्चे जो हैं वो ये नहीं सीखेंगे कि बताया क्या जा रहा है, बच्चे ये सीखेंगे कि जो बताया जा रहा है वैसे बताते हैं, और जो किया जा रहा है वैसे करते हैं। बात थोड़ी सी क्लियर हुई? अगर बच्चे को ये बताया जाए कि बेटा हमेशा सच बोलते हैं और बताने वाला झूठ बोलता है, नतीजा पता क्या निकलेगा? इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बच्चा या बच्ची वो बोलेगा झूठ और बताएगा यही कि सच बोलते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि उसने सुना है, जो सुना है उसने वही सुनाना है, और जो होते हुए देखा है उसने वही करना है। तो बच्चे की जिंदगी में तो झूठ आ गया फिर खुद ब खुद। इज इट क्लियर? अच्छा, एक और चीज, हम चाहते हैं बच्चे जो है, हमें सिखाया गया कि दुआएं पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने से पहले हम दुआ पढ़ते हैं, उसका एक तरीका बच्चों को सिखाया जाए बेटा सारे पढ़ें और उन्हें दुआ रटाई जाए, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो ज्यादा पावरफुल है और जो ज्यादा देर पा है, वो पता क्या है, आप खाना खाएं बच्चों के सामने, और जब आप खा रही हो तो सबसे पहले आप बिस्मिल्लाह वाला बारकातिल्ला पढ़ें और ऊंची आवाज में पढ़ें, और आप उससे खाने से पहले हैंड वॉश करने के लिए जाएं, तो ये बच्चे में ये चीज उतरने शुरू हो जाएगी, बच्चे को पता भी नहीं चलेगा उसकी जिंदगी में आ जाएगी। यस यस यस, बिल्कुल सही। उसके बाद भी आपने हाथ धोया, आपने कुल्ली की माशाल्लाह, और आपने किस तरह से फिर वो अपना सामान रखा। बात क्लियर हो रही है? तो बच्चों, अच्छा उसके बाद क्या, आप बच्चों को बताए अगर बेटा कोई दुआ पढ़नी भूल गया या बिस्मिल्लाह पढ़नी भूल गया, तो फिर क्या करें बेटा? जब याद आए फौरन क्या पढ़नी है? बिस्मिल्लाह अव्वला व आखिरा। अच्छा, मैं आपको इसके वजह से थोड़ा सा अपना तजुर्बा बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं बच्चों को आमतौर पे ड्रॉप करने के लिए जाता था स्कूल खुद, और वो मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस रहता था। वो इसलिए कि वो जो बच्चे हैं वो उस वक्त वो जो ड्रॉप स्कूल में ड्रॉप करने का और पिक करने का प्रोसेस होता है ना, उसमें सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि उसमें सिर्फ आप होते हैं और बच्चे होते हैं, ना तो आप सेल फोन देख सकते हैं उस वक्त में, फिर सिर्फ आप जस्ट उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, मैंने उन्हें बताना शुरू किया चलें बेटा दुआ पढ़ते हैं, तो दुआ पढ़नी शुरू कर दी, चलें जी सबसे पहले घर से निकलने की दुआ छोटे छोटे पार्ट्स में करके। मैं क्या करता हूँ, चले बेटा मैं पढ़ता हूँ आप साथ साथ पढ़िएगा, तो मैं क्या पढ़ता था, बिस्मिल्लाह, सब बच्चों ने पढ़ा बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, तो इस तरह से करके मैंने कंप्लीट की दुआ। कभी एक दिन भी मैंने ये नहीं कहा कि याद करें, लेकिन बिलीव में कुछ ही अरसे के बाद वो बच्चे खुद गए, अच्छा बाबा आज मैं पढ़ाऊंगा, बेटे ने कहा मैं पढ़ाऊंगा, चलो बेटा आप पढ़ाएं, उसने बिल्कुल उसी अंदाज से पढ़ाया, सबने पढ़ा। उसके बाद बेटी ने कहा सर बाबा आज मैं पढ़ाऊंगी, मैंने कहा ठीक है बेटा आप पढ़ाएं। तो नतीजा क्या निकला, सवारी में सवार होने की, घर से निकलने की, सुबह और शाम के अजकार की कई ऐसी दुआएं जो उन्हें रट्टा लगाए बगैर उन्हें याद हो गई हैं। अच्छा एक और चीज, दो तरीके सिखाने के, बेटा छींक आए तो क्या कहते हैं, बच्चों को हम क्या समझाते हैं बेटा छींक के बाद क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सुनने वाला क्या कहेगा, यरहमुकल्लाह, और जिसने छींक ली थी फिर उसका जवाब क्या देगा, यहदीकुमुल्लाहु वयुस्लिह बालकुम। ओके, मैंने कहा कि ऑलराइट बेटा छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, मुझे छींक आई मैंने ऊंची आवाज में कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैं कहा बेटा आपको याद नहीं है कि बाद में क्या कहते हैं, बाबा बताए यरहमुकल्लाह। ओके बेटा, सब मिलके पढ़े यरहमुकल्लाह, सबने कहा, और उसके बाद फिर मैंने जवाब दिया यहदीकुमुल्लाहु वयुस्लिह बालकुम। अच्छा, ये प्रैक्टिस जो है, जब भी मुझे छींक आनी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहना, या उनमें से किसी को छींक आए तो मैंने उन्हें क्या कहा, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, मैंने उसका जवाब दिया, तो अब वो इस तरह का प्रोसेस सेट हो चुका है कि अगर हम में से किसी को छींक आती है
और उसके बाद अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह कहना भूल जाता है तो बच्चे याद दिलाते हैं कि बाबा देखें भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा। अच्छा उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, बच्चों ने लाजमी जवाब देना है यरहमुकल्लाह कहा, तो उसके बाद बच्चों ने फौरी तौर पर एक्सपेक्ट क्या करना है, मुझे जवाब मिलेगा। तो ये एक प्रोसेस बन गया। देखिए ये प्रोसेस बना कैसे, इसे आपने ऑब्जर्वेबल बनाया, प्रैक्टिकल, यस प्रैक्टिकली आपने उसे ऑब्जर्वेबल बनाया। तो ये वो तरीके है, चंदे मैंने आपसे डिस्कस किया बच्चे की जिंदगी में अल्लाह ताला वाला निज़ाम कैसे आप ला सकते हैं। ऑलराइट, आप अपनी स्टोरी सुना सकते हैं क्या कि बेटा मैं खाना खा रही थी और मुझे अचानक याद आया मैं तो दुआ पढ़ना भूल गई हूँ, तो बेटा आप मुझे बताएं फिर मुझे क्या पढ़ना चाहिए था। तो आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना चाहिए था, क्योंकि आपने बताया हुआ है और आपने भूल के प्रैक्टिस भी करवा दी हुई है। छींक आए आपने फिर आहिस्ता आवाज में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना, आपने लाउड आवाज में कहना, सारी क्लास को सुनाई दे और फिर उसके बाद जो बच्चे उससे उसका जवाब दें कि शाबाश बेटा वेरी गुड, और उसे आप फिर जवाब दें, पूरा प्रोसेस बन गया। बच्चों की जिंदगी में अल्लाह सुबहाना व तआला का इंट्रो लाने का और उन्हें बच्चों को अल्लाह सुबहाना व तआला के साथ जोड़ने का एक बेहतरीन तरीका वो है स्टोरी टेलिंग। कहानियां बच्चों को याद रहती हैं, आपको कोई ना कोई ऐसी कहानी लाजिमन अब भी याद होगी जो आपने बचपन में 5-6 साल 7 साल की उम्र में सुनी होगी, ऐसे है ना, स्टोरीज याद रहती हैं। तो स्टोरीज आप सुना सकती हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाली कि क्या हुआ था, और उसे फिर रिलेट कीजिए कैसे कि देखिए बेटा अल्लाह सुबहाना व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब तख्लीक फरमाया और उसके बाद हुक्म क्या दिया था कि सबने सजदा करना है, और उनमें कौन कौन मौजूद थे उस वक्त, मेजर दो मखलूकात, एक फरिश्ते और दूसरा जिन, एक जिन था। अच्छा बेटा मतलब ये कि ये आप स्टोरी सुना रहे हैं, बात क्लियर हो रही है, आप स्टोरी सुना रहे हैं। अच्छा बेटा जब अल्लाह सुबहाना व तआला ने उन सबको हुक्म दिया सजदा करने का, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया लेकिन जिन ने जिसका नाम इबलीस था शैतान उसने सजदा नहीं किया। अल्लाह सुबहाना व तआला ने पूछा तुमने सजदा क्यों नहीं किया मैंने जब हुक्म दिया था, और उसने जवाब दिया या अल्लाह मैं इसे बेहतर हूं, और आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया। यहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों से, अच्छा बेटा मुझे ये बताइए शैतान अच्छा है या गंदा है, तूने बताया कि बेटा देखिए अल्लाह का कि नाफरमानी की, तो ये तो ये अच्छे अच्छी पर्सनैलिटी की तो ये शान नहीं है, अच्छे तो वो होते हैं जो अल्लाह ताला की बात फौरन मानते हैं। जब बच्चे को पता ये चले कि जो अल्लाह ताला की बात मानता है वही अच्छा होता है, तो फिर बच्चे के लिए आसानी है इस बात में डिसाइड करने में कि मैंने अल्लाह की बात माननी है तो मैं अच्छा होऊंगा। अच्छा एक चीज़ तो हो गई, आपने बताया शैतान ने क्या किया, उसने ये कहा कि या अल्लाह मैं इसे बेहतर हूँ, और एक और जगह पे ये कहा या अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया, ये भी कुरान पाक में उसके अल्फाज हैं, अल्लाह ताला ने नकल फरमाए जिसका तर्जुमा किया या अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया। अच्छा ये तो हो गया शैतान का एटीट्यूड, खुद को दूसरों से बड़ा समझना, तकब्बर करना, गरूर करना, दूसरों को घटिया समझना, और फिर अपनी गलती ना मानना और आर्ग्यूमेंट करना और दूसरों को मुर्दे इल्जाम ठहराना, ये सारी की सारी सिफात किसकी हैं, शैतान की। अच्छा अब आगे बताइए उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुबहाना व तआला ने और उनकी जो वाइफ हैं हमारी अम्मा हव्वा उन दोनों को हुक्म दिया आप यहाँ पे रहें जन्नत में, बस फलां दरख्त के करीब नहीं जाना, एक दरख्त से मना कर दिया, और शैतान ने आकर उन्हें फिसलाया और कहा बहुत बातें करके कि फलां दरख्त ही तो असल में है, अगर आप हमेशा यहाँ पे रहना चाहते हो तो उसी दरख्त के पास जाओ, आप अल्लाह के बरगुजीदा बनते, बड़ी बातें की उसने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक नेकी ही की नीयत से अपनी तरफ से एक जज किया कि शायद ये ओके है, ठीक है, अब उनसे उसी दरख्त के पास वो चले गए, उसी फ्रूट से खा लिया जिसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। अच्छा अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह सुबहाना व तआला ने पूछा कि मैंने आपको इसे मना किया था, तो जवाब क्या दिया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ए हमारे रब हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर आपने हम पर रहम ना किया, हमें मुआफ ना किया, तो हम खसारा पाने वालों में से, घाटा पाने वालों में से हो जाएंगे। ये जवाब किसका था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। ऑलराइट, अच्छा अब उन्हें बताया कि बेटा ये हैं जो अल्लाह ताला के प्यारे बंदे हैं, इनका रवैया क्या, गलती हो जाए तो क्या करना है, मान सबसे पहले एडमिट करना, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे रब हमने खुद अपनी जानों पर जुल्म किया, अपनी गलती को मान लेना किसका रवैया है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का।
और अपनी गलती को ना मानना किसका रवैया है? शैतान का। तो बेटा आप बताएं, अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप क्या करेंगे आइंदा से, मानेंगे या के नहीं मानेंगे अपनी गलती? बच्चे बताएंगे कि सर मानेंगे। तो उन्हें ये चीज रिकॉल करवाएंगे, बेटा अगर आप मानेंगे तो अल्लाह ताला के प्यारे बंदे के रास्ते पर होंगे, और अगर आप नहीं मानेंगे तो अल्लाह ताला के नाफरमान बंदे के रास्ते पर होंगे। इज इट क्लियर? दूसरा, स्टोरी आपने सुना दी है बच्चों को, यकीन कीजिए याद हो गई है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएगा, उन्हें कहें बेटा घर जाके अपने बहन भाइयों को बताइएगा, अपने वालिदैन को यह स्टोरी सुनाइएगा। ये आपने एक ऐसा बीज बो दिया जिससे पता नहीं अब कितने दाने निकलने हैं, और वो सारे के सारे आपके फेवर में जाने हैं, क्योंकि वो अब जाके अपनी मामा को बता रहा है, अपने बाबा को बता रहा है, अपने छोटे बहन भाइयों को बता रहा है, बड़े बहन भाइयों को बता रहा है। अगर किसी को भी वो समझाने के काबिल हो गया, उसका कॉन्फिडेंस कहां पर होगा? पहली चीज। दूसरी चीज, वो जो अम्मा अब्बा घर में बच्चे से स्टोरी सुन रहे हैं, उनकी नजर में आपके स्कूल और आपके इदारे के साथ साथ आपकी कितनी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें उनके बच्चे सेफ हैंड्स में हैं, वो वाकई कुछ अच्छा सीख रहे हैं। ऑलराइट, अच्छा इसमें एक तो पता चल गया कि गलती हो जाए तो सबसे पहला काम क्या करना है, गलती को मान लेना है, और अगर नहीं मानेंगे तो ये शैतान का रवैया। दूसरा, कभी भी आर्गुमेंट नहीं करना, ये हजरत आदम अलैहि सलाम का रवैया। और आर्गुमेंट करना, दलील देना, हुज्जतें देना कि नहीं नहीं मेरा तो कसूर ही नहीं है, मैंने तो इसलिए किया, मैंने तो फला वजह से किया, ये रवैया किसका है? शैतान का। बच्चे को रिलेट करवाइए कि बेटा अगर आप अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करें या दूसरों को मुर्दे इल्जाम ठहराने की कोशिश करें, तो एक्चुअली आप शैतान के रास्ते पर चल रहे होंगे। समझदार और अच्छा बच्चा वो होता है जो हजरत आदम अलैहि सलाम के तरीके पर चले, और उनका तरीका क्या है? गलती हो जाए सबसे पहले मान ली, दूसरों पर नहीं डाली, और उसके बाद मानने के बाद अल्लाह ताला से माफी मांगना। हजरत आदम अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से माफी मांगी थी, आपको भी मांगनी चाहिए। और अगर टीचर को नाराज कर दिया, फौरी तौर पर टीचर से भी माफी मांगनी, अगर किसी का नुकसान किया तो उससे माफी मांगना। तो ये बच्चों को सिखाइए। और बताएं कि ये जो काम है ये बड़े अजीम लोगों की निशानी है, अपनी गलती को मानना और उसके बाद माफी मांगना बड़े लोगों की निशानी है। अकड़ वाली जो चीज है वो कमतर लोगों की निशानी होती है। उसके बारे में एक पंजाबी की बड़ी अजीब सी है, उसके बारे में मिसाल आती है, वो कहते हैं लेस लसूड़े दी ते आकड़ चूड़े दी। जो बंदा जितना नीचा होगा उसमें अकड़ उतनी ज्यादा होगी। और एक और मजे की बात है, जिसमें जितनी ज्यादा अकड़ है तो हमें समझ लेना चाहिए बेचारे का जहनी लेवल क्या होगा। अच्छा, बड़े जो लोग होते हैं उनके आमतौर पर बड़ा स्मूथ अच्छे तरीके से चल जाता है, इनकी लड़ाई इस बात पर होगी, लो जी मेरी तस्वीरें ने जान के अद्धी खींची है, ठीक है जी, इन्होंने मुझे अगली सीट में क्यों नहीं बिठाया, सारा मामला सही चल रहा है। जब पता चला ना लो जी शादी होने लगी है, साथ ही लो जी मैं तो नहीं जाना, इन्होंने फलां वक्त में मेरे साथ ऐसे किया था। अब एक्चुअली वो चाह क्या रहे हैं, पूरा खानदान आए, माफी मांगे, फिर जाना है, तो मौका है। मतलब ये जो रवैया है ये निचले दर्जे के लोगों की निशानी जाहिर कर रहा है। ये मेंटेलिटी वो है, जो बड़ा बंदा होता है ना वो माफ करने में भी पहल कर देता है और माफी मांगने में भी पहल करता है। आप तसव्वुर फरमाइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन अजीम होगा, जैसे कि वो फरमाया करते हैं बादस खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत जो है बस इसी से समझ लें कि अल्लाह के बाद सबसे आला को शान है तो वो कौन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका लाइफ स्टाइल क्या था आप तसव्वुर फरमाइए, उन्हें मक्का में से उस रात शहीद किया जाना था जब अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दिया, जब वो निकले हैं वहां से, और पूरी कोशिश की है कुफारे मक्का ने उनका पीछा करने की भी और उन्हें ढूंढकर शहीद करने की, पूरा पूरी कोशिश की है, बड़ी मुश्किल से अपनी जान अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाई, वो चले गए। उसके बाद एक वक्त के बाद कोई 10-11 साल के बाद वापस आए हैं, फतह मक्का हुई है। उस वक्त क्या था, पूरा चांस था और मौका था, हर एक से बदले लिए जा सकते थे, लेकिन आकर उन्होंने क्या कहा, आम माफी का ऐलान कर दिया। तो पता चला जो बंदा जितना ऊंचा होता है ना उसमें उतनी ज्यादा आजजी होती है, वो उतना ही माफ कर देने में अपनी आफियत समझता है। तो अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जाना चाहते हैं तो बेस्ट है, और वो क्या है, माफ कर दें। बड़ा बंदा माफ करता है, छोटा बंदा कहता है मौका मिलेगा फिर दसांगा। तो ये जो अपने अंदर पालते हैं ना नफरतें,
बाकी इसके बारे में बड़ी एक अहम एक रिसर्च आई, और वो क्या थी, उनके नफरत का एक लम्हा, जब बंदा किसी के बारे में नफरत से सोचता है, उस एक लम्हे में एक शख्स अपने अंदर इतना जहर पैदा कर लेता है जिसे खत्म करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को पूरे 2 दिन तक काम करना पड़ता है नफरत के एक लम्हे में। और हदीस में क्या आता है कि मोमन नफरत करने वाला नहीं होता, कीना रखने वाला नहीं होता। और इसके बारे में फाइनल पता है क्या कहते हैं, जो बंदा किसी को माफ कर देता है वो दूसरे पर एहसान बाद में करता है, पहले खुद पे एहसान कर लेता है कि उसने अपने अंदर से वो गंद निकाल दिया, माफ कर दिया, आप सुकून में आ गए, आपका अंदर साफ हो गया। जिस बंदे ने अपने अंदर वो सारा गंद पाल के रखना है और कहना कि मैंने मौका मिलन दे और कहना कोई बात नहीं मैं तुम्हें फिर बताऊंगा, मैंने भी ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया तो मेरा नाम ही फलाना ही, जो इस तरह करता है ना, यकीन कीजिए ये वो बंदा है जो हर वक्त अपने हाथों में कोयले उठाए रखता है और उसे पता नहीं कब उसे मौका मिलना है किसी दूसरे पे फेंकने का, लेकिन एक बात होता है कि अपना बेड़ा गर्क तो कर रहा है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आग दूसरों पर फेंकने से आप फौरी तौर पर उसे अपनी जान छुड़ा लें। जो बंदा हर वक्त कीचड़ दूसरों पर फेंकने का इरादा करके रखता है, इसका मतलब है कि उसके हाथ हर वक्त गंदे रहते हैं। और जो बंदा कहता है कि मैंने फूल देने हैं, तो इसका मतलब है हर वक्त उस बंदे में से खुशबू आती रहती है। अब ये क्वेश्चन हम पे है, हमने खुद को कैसा बनाना है, हमने अपने बच्चों को किस तरफ लेकर जाना है, हमारा हर हर एक्शन जो है, हमारा एवरी एक्शन ऑफ आर सेल्व बींग टीचर्स आगे जो है ना, ये कई कई रास्ते होते हैं। यानी कि आपके सामने जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अगर आप डेली फर्ज कीजिए आप रोजाना कोई 40, 50, 60, 70 या 100 स्टूडेंट्स को डील करते हैं, तो उतने दरवाजे खुल रहे हैं। सवाल यह है वो दरवाजे किस तरफ खुल रहे हैं, 2 में से किसी एक जगह पर लाजमन खुल रहे हैं, या तो वो दरवाजे, पहली ऑप्शन ये है जन्नत की तरफ खुल रहे हैं, या फिर अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे जहन्नम की तरफ, तीसरा दरवाजा कोई नहीं है। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप जो भी कर रहे हैं अगर तो बच्चों के लिए अल्लाह के साथ जुड़ने का मौका बन रहा है, इस्लाम की अजमत को समझने का मौका बन रहा है, और इसके साथ साथ आपको, आप अगर डेली एक जगह आप रोजाना आते हैं, कोई एक आयत बच्चों को समझा दे, बेटा मुझे ये समझ में आई, बड़ी जबरदस्त है, मुझे ये जनाब हदीस का पता चला, क्या बात है, कोई एक अच्छी चीज आपने बता दी, हो सकता है उसके अंदर उतर जाए, तो उनके ये सारे रास्ते आपके लिए हैं, या तो ये सारे के सारे रास्ते आपको इस तरफ ले जाने के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं, अदरवाइज ये सारे रास्ते आपको खुदा ना खासा इस तरफ ले जाने के लिए फैसिलिटेट कर रहे होंगे। जस्ट पॉइंट ये है कि आप कॉन्शियस हो के ये सोच के जाइए कि आज मैंने बच्चों की जिंदगी में कुछ और पॉजिटिविटी ऐड करनी है, मैंने इन्हें आज एक स्टेप और अल्लाह ताला के करीब करना है, मैंने कुरान पाक इनकी जिंदगी में कैसे लेकर आना है, मैंने अंबिया रसूल अलैहिस्सलाम की कौन सी स्टोरी आज इन्हें बतानी है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कौन सा वाकया इनके सामने रखना है जिसे वो कुछ सबक हासिल कर सके, मैंने सहाबाए किराम की जिंदगी से कौन सा ऐसा इंसिडेंट ऐसा वाकया उनके सामने रखना है कि अगर वो उस पर अमल कर लें तो उनकी जिंदगी टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाए। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह ताला को खुश रखें, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, और आपके जरिए से अल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा खैर बांटने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।